जी मिर्च काटने से मैंने शुरू करा है। मिर्च काटते काटते आपको जल्दी जल्दी एक जस्ट दे देते हैं, फिर शुरू करेंगे। तो जी नवरात्रों की रेसिपीज़ में जो मेरी एज वाले लड़के, जो एज मतलब मेरी एज वाले जो यंगस्टर्स मिस करते हैं, वैसे मुझे पता है आप सब नीचे कमेंट में लिख दोगे कि मैं अपने आप को यंगस्टर कह रहा हूँ, वो गलत है। तो मेरी एज वाले जितने भी हैं, मेरे से थोड़ी सी छोटी एज वाले जो फास्ट रखते हैं, वो मिस करते हैं मोमोज को। आज मैं आपको देने जा रहा हूँ वर्थ वाले मोमोज, कुट्टू के आटे के मोमोज पनीर की स्टफिंग के साथ एंड वर्थ वाली मोमोज वाली चटनी भी, तीखी वाली। शुरू करते हैं। सत श्री अकाल, मैं हूँ जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त। और आज जैसे कि मैंने इंट्रो से पहले बोल दिया है, मैं देने जा रहा हूँ वर्थ वाले मोमोज। और वर्थ वाले मोमोज के लिए हमें चाहिए, अब कुट्टू के आटे से बनाने हैं तो कुट्टू का आटा चाहिए होगा, और स्टफिंग बनाएंगे हम पनीर की, और चटनी टमाटर और लाल मिर्च की। शुरू करें। तो ये मैंने मिर्ची काट ली है, हम काटेंगे अदरक फॉर स्टफिंग। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले स्टफिंग, देन डो और फिर चटनी। पैन ऑन हीट, ऑयल, आप चाहें स्टफिंग घी में भी बना सकते हैं, आफ्टर ऑल स्टफिंग ठंडी करके डालनी है तो घी जम जाता है, मैं ऑयल से ही बना रहा हूँ। हम डालेंगे क्यूमिन, जीरा पकने लगेगा उसके अंदर, अदरक और हरी मिर्च, ताकि जीरा ना पके, वो बोर ना हो, उसको कंपनी दे देंगे अदरक और हरी मिर्च की। जिंजर और ग्रीन चिली पकने के बाद थोड़ी सी लाल मिर्ची उसके अंदर, पनीर क्रम्बल करके। टू फिनिश सेंधा नमक टू टेस्ट। और ये सेंधा नमक डालने के बाद एक स्टर, एंड दिस इज ऑलमोस्ट डन। इसको हल्का सा छोड़ देंगे स्लो गैस पे, ताकि इसके अंदर का पानी सूख जाए, और फिर इसको जमने के लिए मतलब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये स्टफिंग को हम निकाल लेंगे। चटनी के लिए पैन के नीचे आग, उसमें हल्का सा पानी, इतना पानी कि पैन हमारा सीधा हो जाए। जब तक पानी को हल्का हल्का बॉयल आ रहा है, हम टमाटोज को चॉप कर लेंगे, रफली करना है, 1/4 कर लीजिए, 1/8 कर लीजिए, आपकी मर्जी। तो पानी हमारा गर्म हो गया, पानी के अंदर जाएंगी लाल मिर्चें सूखी हुई। तीन टमाटर के लिए लगभग 15 से 16 मिर्च, और साथ में ही टमाटर लगभग 1 इंच अदरक, और इसमें जाएगा नमक सेंधे वाला। नवरात्रे हैं, व्रत है, अगर व्रत नहीं होते तो मैं इसमें गार्लिक भी डालता, गार्लिक टेस्ट अमेजिंग इन दैट चटनी, जो टमाटर और लाल मिर्च वाली चटनी होती है मोमोज वाली, उसमें गार्लिक का टेस्ट अमेजिंग आता है। बट अब व्रत है, नहीं डाल सकते। इसको करेंगे तेज, इसको उबलने देंगे जब तक हमारे टमाटर मैशी ना हो जाए और लाल मिर्च हल्की सी पक ना जाए। झटपट सी चटनी है ये मोमोज के लिए। अब स्टफिंग हमारी फ्रिज में है और चटनी हमारी बन रही है, तो हम बनाएंगे डो। डो के लिए एज प्रॉमिस्ड कुट्टू का आटा लेंगे। पहले मैं ये सारा सामान हटा दूं, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है इंग्रेडिएंट्स के बीच में भी, और अपना चॉपिंग बोर्ड भी साफ कर दूं। एक बड़ा बाउल, उसके अंदर कुट्टू का आटा। अब कुट्टू के आटे के अंदर वो ग्लूटेन नहीं होता, तो ग्लूटेन ना होने की वजह से उसके अंदर वो इलास्टिसिटी नहीं आती, वो खिंचाव नहीं आता जो हमें मोमोज के डो के लिए चाहिए। तो उसका मैं बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। अगर आप नवरात्रे नहीं हैं, नॉर्मल डेज पे बना रहे हैं, तो आप अंडे डाल सकते हैं दो। ये लगभग 125 से 30 ग्राम के करीब आपका जो
कुट्टू का आटा है 25 से 30 ग्राम, और 2 अंडे इसमें जाएंगे। अगर आपके पास मतलब नवरात्रे नहीं है, अब नवरात्रे हैं तो क्या करें, हम डालेंगे अलसी का अंडा, ये ग्राउंड अलसी जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं उनको पीस के, 2 टेबलस्पून मैंने अलसी के बीज पीस के लिए थे, एंड लगभग 6 टेबलस्पून पानी, इनको 15 मिनट तक रखा है और ये बिल्कुल अंडे वाली कंसिस्टेंसी आ गई है। तो ये अलसी के अंडे जाएंगे इसमें, थोड़ा सा सॉल्ट, जस्ट टू सीजन आवर फ्लावर, इसको एक मिक्स, उसके बाद गूंद देंगे। जैसे ये डो जुड़ जाए उसके बाद थोड़ा सा ऑयल उसकी खुश्की मारने के लिए, एक्चुअली कुट्टू का आटा बहुत खुश्क होता है, बहुत ड्राई होता है, इसीलिए ईदर यू नीड इट विद बॉयलिंग हॉट वाटर, और अगर आपने इलास्टिसिटी देनी है इसको तो फिर अलसी का अंडा वर्क्स द बेस्ट। ये ऐसा लॉग सा बना लेंगे, उसको काट लेंगे इक्वल पार्ट्स में, उसके बाद उनको रोल करेंगे। मोमोज हमारे बन गए हैं, बिल्कुल ट्राइंगल शेप में, बड़ी सेक्सी सी शेप आई है। ऑयल डालेंगे पैन में, पैन फ्राई करेंगे इनको, स्टीम नहीं करेंगे। स्टीम करने से ना क्या हो सकता है कि ये अब एक्चुअली जो हमारा कुट्टू का आटा है उसके अंदर ग्लूटेन नहीं है, तो जब स्टीम करेंगे तो ये जब पकेगा तब खुलने का डर है, तो इसीलिए हम स्टीम नहीं करेंगे, पैन फ्राई करेंगे। पैन में हल्का सा ऑयल, उसको गर्म करने के बाद मोमोज प्लेस कर देंगे और फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसको ढक देंगे। तो जब तक हमारे मोमोस पक रहे हैं, पैन फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम चटनी बना लेते हैं। चटनी एक्चुअली हमारी ये पक चुकी है, सब कुछ पक चुका है, हमने ग्राइंड करना है इसको बस। चटनी हमारी हो गई है, मोमोस हमारे डन है, मोमोस को निकालेंगे। मोमोज हमारे डन है, निकाल लिए हैं, इनको प्लेट करते हैं, मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, अब कौन इमेजिन कर सकता है कि नवरात्रों में यू कैन हैव मोमोज। ये रहे ना कुट्टू के आटे के मोमोज, आई एम टेलिंग यू दिस इज अमेजिंग। मैंने मोमोज की चटनी भी दे दी नवरात्रों के व्रत वाली, अब बच्चा क्या है, जल्दी जल्दी ट्राई करो बेबीज, एंड लेट मी नो हाउ इट इज। फेसबुक पे फोटो भी डालना और प्लीज़ हैंडल विद केयर, क्योंकि ये ना डो थोड़ा आपको पता ही है, अभी आपने देखा भी, आराम आराम से बेलना, आराम आराम से शेप करना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप मत देना क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा। फिर उसके बाद लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी नवरात्रि।